Good morning. I welcome you to Learn English Translation. तो आइए आज से आप लोग को YouTube पे कुछ डेली यूजेस सेंटेंस मिलेंगे. पहला सेंटेंस है, वह सुबह से भूखा है. He has been hungry since morning. बोलेंगे बच्चों, He has been hungry since morning. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास न के बराबर पैसा है. योर चैलेंज टुडे, इस क्वेश्चन को आप सभी को बनाकर मुझे YouTube पे कमेंट करना है. YouTube आपका इंतजार करेगा सही इंग्लिश से ट्रांसलेशन का. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ. जब हम लोग कोई काम करने चलते हैं तो पक्ष की बात करते हैं ना, कि तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ. तो बोलेंगे, आर यू इन माई साइड और हिज. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ. तो इंग्लिश बनाएंगे इसका, गेट आउट ऑफ माई साइट. गेट आउट ऑफ माई साइट. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहता हूं. आई वाना मीट यू अगेन. मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. मान लीजिए कि आप किसी को पैसा देते, बोलते हैं ना कि मेरा पैसा वापस ही, हम नहीं जानते कुछ. आई वांट माई मनी बैक. क्या बोलेंगे, डियर आई वांट माई मनी बैक. ऐसा करते हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आता होगा. चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ. हमारा पहला सेंटेंस है, अब बाद में मिलेंगे. मान लीजिए कि आपसे कोई मिलना चाहता है तो बोलते हैं ना, चलिए भाई अब बाद में मिलेंगे. तो बोलेंगे सी यू लेटर. अगला क्वेश्चन है, लाइट चालू करो. मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है, आप कहीं से आए और पंखा आपके रूम में लगा हुआ है ना, और पंखा नहीं चल रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि लाइट चालू करो भाई. स्विच ऑन द लाइट. क्या बोलेंगे, स्विच ऑन द लाइट. अगला क्वेश्चन है, लानत है तुम पर. इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेम ऑन यू. लानत है तुम पर, इसको बोलेंगे सेम ऑन यू. ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जैसी आपकी मर्जी. इसको लिए बोलेंगे एज यू प्लीज, या बोल सकते हैं एज यू विश, या बोल सकते हैं एज यू लाइक. आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया हो, तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. धन्यवाद.